तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि कंप्लीट जानकारी आप समझ पाएं। तो बिना देरी किए दोस्तों बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप इनको जानते हैं तो या फिर आप इनको पहचानते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो आज मंत्री जी सुभाष गर्ग ने जो है अभ्यर्थियों को स्कूल व्याख्या भर्ती तिथि आगे करने का दिया आश्वासन। जी हां, आज अभ्यर्थी जो है सुभाष गर्ग जी से मिले हैं और उन्होंने भी पक्का वादा किया है, आश्वासन दिया है कि जो डेट है उसको आगे करवाया जाएगा। इसमें वो उनका साथ अभ्यर्थियों के साथ हैं वो, और परीक्षा तिथि आगे करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आज बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो जयपुर पहुँचे और पहुंचकर जो है योजना बनाई और तमाम जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है। दोस्तों इन सब से एक माहौल जो है बनता जा रहा है कि जो परीक्षा तिथि है उसको आगे खिसकाया जाए। दूसरी खबर दोस्तों यह है कि आप देख सकते हैं कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा स्थगित करवाने तथा पदों में बढ़ोतरी को लेकर आज जयपुर के नेहरू गार्डन में भाई समीर यादव और अमित काजला के नेतृत्व में मीटिंग आयोजित हुई तथा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें सैकड़ों बेरोजगारों ने भाग लिया। मीटिंग में पधारने वाले सभी भाइयों का धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, स्कूल व्याख्याता परिस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए जो है एक संगठन भी बन चुका है और नियमित रूप से जो है वो कार्य भी कर रहे हैं इस दिशा में, और आज इसी दिशा में जो है उन्होंने बैठक ली सभी अभ्यर्थियों को, जो परीक्षा तिथि आगे बढ़वाने के पक्ष में उनको नेहरू गार्डन बुलाया है। सभी ने रूपरेखा जो है तैयार कर ली है और सबसे पहला जो उन्होंने काम स्टार्ट किया वो ये है कि दोस्तों जो जितने भी प्रभावी नेता हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे वादा आश्वासन ले रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है परीक्षा तिथि को आगे बढ़वाने में वो अपना सहयोग करें, सरकार तक ये बात पहुंचाएं, आरपीसी तक ये बात पहुंचाएं। तो दोस्तों इस दिशा में उनका प्रयास जारी है। इसके अलावा दोस्तों जो संगठन बने हैं परीक्षा तिथि को आगे बढ़वाने के लिए उनके कुछ भाइयों ने निवेदन किया। आप देख सकते हैं कि ये जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा को स्थगित करवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इसमें एक मांग प्रमुख रूप से रखी जाएगी कि इसमें लगभग 4500 पद बढ़ाए जाएं, जिसका वादा जो है खुद शिक्षा मंत्री ने पहले किया था। अगर पद बढ़ जाते हैं तो नए व पुराने सभी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। जी हाँ, अगर पदों में बढ़ोतरी होती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी अभ्यर्थी को जो है परेशानी होगी। अगर पद बढ़ाए जाएं और परीक्षा तिथि आगे की जाए तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई परेशानी होने वाली है। अतः दोस्तों उन्होंने निवेदन भी किया है कि आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा तिथि को आगे करवाना चाहते हैं वो आंदोलन में इनका साथ दें और अपनी भागीदारी देकर जो परीक्षा तिथि को आगे बढ़वाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसमें अपना सहयोग करें। दोस्तों हम आपको एक बात और बता दें कि ये जो खबरें हैं लगातार आरपीएससी के पास भी पहुंच रही हैं और दीपक उप्रेती जी जल्द ही यानी कि इस वीक के लास्ट तक जो है अपनी राय भी देने वाले हैं। और ये जो सभी के मन में दोस्तों संशय चल रहा है कि परीक्षा तिथि आगे होगी या नहीं होगी, काफ़ी अभ्यर्थी जो इस बात को लेकर लगातार परेशान है कि परीक्षा तिथि को लेकर क्या फैसला होगा, वो तैयारी भी दोस्तों उनकी जो है काफ़ी परेशानी में पड़ चुकी है। तो साथियों ये थी आज की खबर, आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।